जो भाई परेशान है, बच्चों की शादी नहीं हो पा रही, कृपया वो आए, अपना नाम रजिस्ट्रेशन करें www.chartpeople.com पे और अपने बच्चों का रिश्ता कराएं। कोई भी समस्या इसके बाद ही बचती है, आपको समझ नहीं आती है तो नीचे दिए गए नंबर पर फोन कीजिए, आके बात कीजिए, जिन बच्चों के रिश्ते नहीं हो पा रहे हम कराएंगे। धन्यवाद। आज मैं आपको डारा जाट गोत्र के बारे में बताऊंगी। डारा का परिचय। डारा गोत्र, जिसे डारा, डरवाल या डारावल नामों से भी जाना जाता है, भारत में जाट समुदाय का एक प्रमुख गोत्र है। इसका प्रसार राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पाकिस्तान और कुछ अन्य क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त डारा कबीले के सदस्य अफगानिस्तान में भी निवास करते हैं। इस गोत्र का संबंध प्राचीन पश्चियाना साम्राज्य से और ग्रीक इतिहास में उल्लेखित समुदाय से जोड़ा गया है। इनकी उत्पत्ति की जड़ें ऐतिहासिक व्यक्तित्व डेरियस द ग्रेट से मानी जाती है, जो 550-486 ईसा पूर्व अचमेनिड साम्राज्य के तीसरे राजा थे। ऐतिहासिक संदर्भों में यह भी माना गया है कि डेरियस या दरियस का संबंध डारा कबेली से रहा होगा। इस प्रकार डारा गोत्र का गोत्रों के इतिहास को पर्शियन सभ्यता से जोड़कर देखा जा सकता है। नामांकन गोत्र। ऐतिहासिक ग्रंथों में डारा को गोत्र के विभिन्न रूपांतरण भी मिलते हैं, जैसे डारद, दारद, डरडे, डरारा, दर्दा, डरडे, ऐसे कई हैं। इस गोत्र का उल्लेख पिलिन मेस्थनीज और अन्य ग्रीक इतिहासकारों द्वारा भी किया गया है। मेस्थनीज द्वारा उल्लेख प्राचीन भारतीय इतिहासकार मेगास्थनीज ने विभिन्न जातियों का वर्णन किया है, जिनमें डारा का उल्लेख मिलता है। उनके अनुसार डारी जाति का एक स्वतंत्र जाति है, जो पहाड़ों की ऊंचाई पर बसी है और यहाँ के लोग स्वतंत्रता से रहे। इनका कोई राजा नहीं होता और इन्हें पर्वतों की चोटियों पर कई नगरों का निर्माण किया है। डारा गोत्र के गांव। डारा गोत्र के लोगों द्वारा भारत में कई गांव स्थापित किए गए हैं। ये मुख्य रूप से राजस्थान और कुछ अन्य राज्यों में भी फैले हुए हैं। राजस्थान में निम्नलिखित गांव डारा गोत्र से संबंधित है। डारों की ढाड़ी, ये राजस्थान के नागौर जिले मेड़ता सिटी तहसील में स्थित है। डारा की डिमड़ी, ये राजस्थान के पाली जिले के सोस्ता तहसील में स्थित है। डारा कैलाना, डारा खुर्द, ये दोनों गांव थानेसर में स्थित हैं। ऐतिहासिक संदर्भ। डारा गोत्र के इतिहास में झलक मिलती है कि इनका संबंध प्राचीन युद्धों, साम्राज्यों और महान शासकों से था। इतिहासकार एलेक्जेंडर कनिंघम ने बताया है कि पाकिस्तान के झेलम नदी के किनारे स्थित डारापुर और अन्य पुरातात्विक स्थलों में डारा गोत्र का संबंध पाया जाता है। कनिंघम के अनुसार यह क्षेत्र प्राचीन काल से भी महत्वपूर्ण रहा है। यहाँ खुदाई में सिक्के, पुरानी ईंटें और अन्य पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, जो इसके इतिहास की प्राचीनतम को दर्शाते हैं। पिल्लिन द्वारा उल्लेख। पिल्लिन ने अपनी यात्रा वृत्तों में धारा नामक स्थान और डारा समुदाय का उल्लेख किया है। उनके अनुसार डारा समुदाय या जाति पहाड़ी इलाकों में स्वतंत्र जीवन यापन करती थी और उन्हें किसी राज्य का अधीन नहीं माना जाता है। इसी प्रकार पिल्लिन ने अरब के रेगिस्तानी इलाकों में भी डारा जाति का उल्लेख किया, जिसे पता चलता है कि यह समुदाय व्यापारिक मार्गों के किनारे बसे हुए क्षेत्रों में प्रभावी था। इसके कुछ प्रसिद्ध गांव हैं, जैसे राजस्थान में डारा गोत्र के लोग विभिन्न जिलों में बसे हुए हैं। इनके कुछ प्रमुख गांव हैं निम्नलिखित हैं। कोटा जिला में स्थित डारा गांव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारकों की सूची में है। यहां शिव मंदिर, गुप्तकालीन शिलालेख और एक किला पाया गया है। सीकर जिला गरिंडा, रोडू, छोटीपुर, शाहपुर, सिकरा आदि गांवों में डारा गोत्र के लोग निवास करते हैं। झुंझुन जिला, अंगसर, किशोरपुरा, झुंझुन जैसे गांवों में ये गोत्र पाए जाते हैं। किशोरपुर से चौधरी बूटीराम डारा के एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। पाली जिला, एलवासा, चंदवाल, नागर और डारा के ढिमड़ी जैसे गांव में डारा के लोग बसे हुए हैं। नागौर जिला, बड़ू बोरबा, दंगवासा, डारो की डाड़ी, देगाना गांव और जननाना इस गोत्र के प्रमुख स्थान हैं। जोधपुर जिला, बसनी, विशालपुर, ओलबी और सरगिया कला जैसे गांव में ये गोत्र पाया जाता है। जयपुर जिला,
आवाबाड़ी, जहापुरिया, मंदोराजपुरा और नाधा जैसे गांव में डारबाल गोत्र के लोग रहते हैं। टोंक जिला भुरतिया, दारदा झिंद, दियोली गांव और संदेरा फार्म जैसे स्थान पर डारबाल गोत्र का विस्तार है। मध्य प्रदेश में विस्तार, मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में डारा गोत्र का विस्तार पाया जाता है। रतलाम जिला ही है, यहाँ के बड़ौदा, घटवास, हनुमान, पालिया और सोनगढ़ जैसे गांव में डारा गोत्र के लोग बसे हैं। उज्जैन जिला, उज्जैन के बरखेड़ा, तराना, मुझखेड़ी गांव में डारा गोत्र का निवास है। हरियाणा में विस्तार, हरियाणा के सिरसा जिले में कुम्हारिया गांव में भी डारा गोत्र के लोग पाए जाते हैं। पाकिस्तान में विस्तार, 1911 की जनगणना के अनुसार डारा मुस्लिम जाटों का एक प्रमुख गोत्र था। विशेष रूप से ये गोत्र मुल्तान जिले में पाया जाता था। अफगानिस्तान में विस्तार, अफगानिस्तान के पंजशीर प्रतान में द्रहा जिला भी डारा गोत्र से जुड़ा माना जाता है। इसके कुछ उल्लेखनीय व्यक्ति हैं जिन्होंने योगदान दिया है। पहले हैं चौधरी बूटीराम डारा, स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने राजस्थान के सिखावटी किसान आंदोलन में भाग लिया। उनका संबंध झुंझुन जिले के किशोरपुरा गांव से था। अगले हैं विकास डारा, CRPF के 208 कोबरा बटालियन में कार्यकर्ता थे और छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान 2020 में शहीदपुर, उनका संबंध किशोरपुर गांव झुंझुन जिले से था। डॉक्टर श्रीमती राम कुमार चौधरी डारा, डॉक्टर SR चौधरी मेमोरियल हॉस्पिटल सीकर जिले में चिकित्सा सेवा दे रही हैं। उनका नाम नंगोर जिले में दंगावास गांव में हुआ था। पन्ना राम डारा BSNL में AO केस के पद पर कार्यकर्ता, इनका नाम 1965 में हुआ और ये नागौर जिले के हुल्धानी गांव में ताल्लुक़ रखते थे। धन्यवाद।